तो दोस्तों जब बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 की बात आती है तो देखो मोटो एज 40 का आना आपके दिमाग में जायज सी बात है। इसमें आपको स्लिम फॉर्म फैक्टर मिलता है, आईपी रेटिंग मिल जाती है, बढ़िया प्रोसेसर के साथ जबरदस्त कैमरा। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब अवेलेबिलिटी की बात आती है, जब यहां पर लोगों को आउट ऑफ स्टॉक वो देखने को मिल रहा है। तो घबराइएगा नहीं, यहां पर हम आते हैं आपके लिए और आपको यहां पर हम इस वीडियो में बताएंगे टॉप 5 मोटो एज 40 अल्टरनेटिव जो कि आप खरीद सकते हैं लगभग 30,000 रुपए के आसपास। देखिए बने रहेगा लिस्ट के एंड तक। एक मस्त फोन है वो है सैमसंग का, वो अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, काफी बढ़िया अल्टरनेटिव हो जाता है, अगर आप इसको लेते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं हूं दीपकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो बिना वक्त जाया करे सबसे पहले फोन से शुरू करते हैं, वो है नथिंग फोन 1। अब आपके माइंड में भी ये फोन जरूर होगा अगर आप जब मोटो एज 40 को लेने जा रहे होंगे, लेकिन इस फोन में क्या क्या खासियत है और क्यों ये हो सकता है एक बढ़िया अल्टरनेटिव मोटो एज 40 का, आइए जानते हैं। लगभग 30,000 रुपए के आसपास ये फोन में मिल जाएगा। उसमें आपको मिलेगा 8GB रैम विद 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 778G प्लस का प्रोसेसर विद UFS 3.1 स्टोरेज, 6.55 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 10-bit OLED डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन, साथ ही 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस। कैमरा भी काफी बढ़िया मिल जाता है, करीब 50 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, साथ ही 4500 mAh की बैटरी के साथ 33 वॉट्स का चार्जिंग सपोर्ट। उसके अलावा 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ 5 वॉट्स रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। ना ऑन द पेपर ये फोन आपको जबरदस्त चीज देता है, अगर आप इसको ऑफ द पेपर भी देखें यानी कि इन हैंड फील के मामले में ले लीजिए, चाहे आप इसका ओवरऑल डिजाइन देख लीजिए, इस फोन का आपको यूनिक बैक पैनल काफी जबरदस्त लगेगा जो कि ग्लो करता है आपके रिंगटोन के हिसाब से। आप उसमें नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, यानी कि काफी यूनिक लुक इसका है, ऑब्वियसली उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आपको आईपी रेटिंग भी मिल जाती है IP53 की जो कि स्प्लैश रेजिस्टेंट बनाता है इस फोन को, साथ ही यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट सारे मिलते हैं, आप रिवर्स वायरलेस चार्जिंग करना चाहें वो भी मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन आपको निराश नहीं करेगा, स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर जो है वो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस ओवरऑल दे देता है। नॉर्मल डे टू डे यूसेज ले लीजिए और बाकी चीजों में आपको ये फोन निराश नहीं करेगा। गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है इस फोन में, बहुत फ्लैगशिप लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा लेकिन प्रोसेसर जो है आपको डे टू डे यूसेज के हिसाब से काफी चीजें बढ़िया देता है। और इसमें कोई दो राय नहीं, आप नथिंग फोन 1 रेगुलरली इसमें अपडेट्स देता रहता है और फोन को ज्यादा से ज्यादा रिफाइन करता रहता है। तो यहाँ पर ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है मोटो एज 40 के मुकाबले। ना अगला फोन है वो है पोको की तरफ से पोको F5। अब ये जो फोन है काफी अंडररेटेड फोन है, लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं लेकिन फोन ऑन द पेपर भी ऑफ द पेपर भी सभी चीजें काफी बढ़िया देता है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इस फोन में आपको क्या क्या मिल जाता है। करीब 30,000 रुपए के आसपास ये फोन मिल जाएगा 8GB रैम विद 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज के साथ, स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 प्रोसेसर मिल जाता है विद UFS 3.1 स्टोरेज, 6.67 इंच का 120Hz का 12-bit AMOLED डिस्प्ले मिलता है, साथ ही 64 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल के मैक्रो के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 67 वॉट्स इनबॉक्स चार्जर। नो ये फोन भी काफी जबरदस्त चीजें देता है इन टर्म्स ऑफ, आप डिजाइन देख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, साथ ही फ्रंट की साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ ये IP53 रेटिंग के साथ आता है। साथ इसका जो डिस्प्ले है वो भी निराश नहीं करेगा आपको, आउटडोर विजिबिलिटी के साथ नॉर्मल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ले लीजिए, नेटफ्लिक्स में भी ये फोन जो है वाइड एंगल के साथ आता है और डॉल्बी विजन के साथ HDR भी सपोर्ट करता है। कैमरा भी आपको काफी सही मिल जाता है और साथ ही वीडियो कैपेबिलिटीज भी इस फोन की काफी बढ़िया है, 4K 30fps में आप शूट कर सकते हैं और वहां पर आपको स्टेबलाइजेशन भी काफी बढ़िया मिल जाएगी। यानी कि अगर आप वीडियो शूट करने के बहुत शौकीन हैं तो ये फोन आपको निराश नहीं करेगा, वीडियो स्टेबिलिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। 1080p 60fps में आप शूट करेंगे तो आपको स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी मिल जाएगी इस फोन में। ओवरऑल बैटरी के हिसाब से भी आपको ये फोन निराश नहीं करेगा, बॉक्स के अंदर ही आपको 67 वॉट्स का चार्जर मिल जाता है और बैटरी बैकअप के मामले में भी ये फोन काफी जबरदस्त बैटरी दे देता है। बाकी कॉन की बात करें तो देखो इस फोन में बस एक ही कॉन लगा, NFC का सपोर्ट वगैरह आपको नहीं मिलेगा और उसके अलावा कोई मेजर कॉन नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को जो डिजाइन है वो थोड़ा सा बोरिंग लगे, बाकी ये फोन काफी जबरदस्त है। ना अगला जो फोन है वो है गूगल की तरफ से Pixel 6a। अब काफी लोग होता है ना कि मोटोरोला इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा पसंद है, तो आपको उससे भी बढ़िया स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए तो Pixel 6a आप ही के लिए। ना सिर्फ स्टॉक एंड्रॉइड, यहाँ पर आपको कैमरा भी जबरदस्त मिलता है।
करीब 29,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। गूगल का टेंसर प्रोसेसर मिल जाता है विद UFS 3.1 स्टोरेज, 6.1 इंच का 60Hz का OLED HDR डिस्प्ले मिलता है, 12.2 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, 4410 mAh की बैटरी मिलती है विद 18 वॉट्स ऑफ चार्जिंग सपोर्ट। नाउ इस फोन में जो प्रोज है ना वो बहुत जबरदस्त है। सबसे पहली चीज, आपको इसमें कैमरा कैपेबिलिटीज इस फोन की बहुत बढ़िया मिल जाएगी, यानी कि अगर आपको ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी है फोन में आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जैसे आप खींचते हैं कैमरा से आपको सोशल मीडिया में डायरेक्टली डालना है, तो ये फोन आपको वो सारी चीजें प्रदान करता है। कैमरा कैपेबिलिटीज अच्छी है, वीडियो कैपेबिलिटीज भी अच्छी है, मतलब कैमरा ओवरऑल इस फोन का काफी जबरदस्त है। जो आपको मोटोरोला में OS मिलता है उससे स्लाइटली बेटर ही है, गूगल पिक्सल के जो OS आते हैं वो, और यहाँ पर आपको निफ्टी फीचर्स जो है गूगल की तरफ से मिलते हैं, वो सारी चीजें ये फोन में भी आपको मिल जाएंगी भरपूर। लेकिन कौन की अगर बात करें तो देखो, काफी लोगों को मैटर कर सकता है इसका 60Hz डिस्प्ले, जो कि एक्चुअली लगता नहीं है यूसेज के दौरान 60Hz का जो एमोलेड डिस्प्ले है वो। साथ ही यहाँ पर जो बैटरी बैकअप और जो चार्जिंग स्पीड है उसमें दिक्कत आ सकती है, एक तो आपको इन द बॉक्स चार्जर नहीं मिलता है, उसके अलावा जो चार्जिंग स्पीड है वो काफी लोगों को स्लो लग सकती है। बाकी अगर आप थोड़े हॉट क्लाइमेट में हैं और आपको कैमरा से फोटोज और वीडियोज खूब सारी लेनी है, तो वहां पर भी ये जो फोन है थोड़ा स्लाइटली जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये फोन जैसे कि मैंने बताया ये उनके लिए है बस जिनको एक बढ़िया पिक्सल एक्सपीरियंस यानी कि OS का एक्सपीरियंस चाहिए और आउट ऑफ द बॉक्स आपको जबरदस्त कैमरा चाहिए, तो ये फोन पिक्सल 6 से आपके लिए है। एंड नाउ फाइनल फोन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो है फ्लैगशिप ग्रेड मिलती है, और लगभग प्राइस भी है करीब 31-32,000 रुपये के आसपास अगर आप डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं तो। लेकिन जो प्राइस में आपको ये चीज़ें देता है वो ज़बरदस्त है, नो डाउट ये मोटो H40 से कुछ लोगों के लिए बेटर चीज़ें दे सकता है। इसका 8128 वाला वेरिएंट करीब मिल जाएगा 31-32,000 रुपये के आसपास, लेकिन प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें देता है। 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले विद 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। ये फोन IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, साथ ही 12 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी OIS कैमरा मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है विद OIS और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh की बैटरी के साथ 25 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट और 15 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। ना इसमें कोई दो राय नहीं है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE जो है आपको फ्लैगशिप चीज़ें देता है एट ए वेरी गुड बजट प्राइस। यहाँ पर आपको डिस्प्ले की साइड में जो प्रोडक्शन मिलता है वो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोडक्शन, साथ ही यहाँ पर आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है जिससे आप सैमसंग पे वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट होता है उससे आप कर सकते हैं। उसी के अलावा डिस्प्ले क्वालिटी की आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है, चाहे आप इनडोर्स ले लीजिए चाहे आप आउटडोर्स ले लीजिए, नेटफ्लिक्स में आपको HDR और यहाँ पर डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही देखो जो प्रोसेसर है इसका वो फ्लैगशिप लेवल का मिलता है, चाहे आप गेम्स खेल लीजिए आप हाई सेटिंग्स में चला सकते हैं, आपको वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आएगी। और बेस्ट पार्ट, इसका जो कैमरा है वो आपको निराश नहीं करेगा, यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा ले लीजिए वो आपको बढ़िया पिक्चर के साथ स्टेबल वीडियोज देता है, और सारे कैमरा से आप 4K 60fps वीडियोज खींच सकते हैं। आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो भी 4K 60fps वीडियो सपोर्ट करता है, तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE आपको बढ़िया चीज़ें देता है प्राइस के हिसाब से अगर आप थोड़े पैसे और खर्च करते हैं तो। और एक और फ़ोन को मैं कंसिडर करना चाहूँगा इस प्राइस सेगमेंट में, यहाँ पर IQ Neo 7, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए थोड़े से कम प्राइस पॉइंट में, करीब 27-28,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। साथ ही डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छा है, बस एक ही कौन है उस फोन में, आपको अल्ट्रावाइट सेंसर नहीं मिलता है, बाकी वो फोन भी आपको निराश नहीं करेगा। और बाकी देखो, जुलाई के महीने में बहुत सारे फोन ऐसे लॉन्च होने वाले हैं जो कि under 30,000 रुपीज़ के आ रहे हैं, तो वेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऑलराइट गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर आपको कोई और फोन का अल्टरनेटिव जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी उसका एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।